चलिए तो पढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे हीलियम नियॉन लेजर, कंस्ट्रक्शन ऑफ हीलियम नियॉन लेजर, वर्किंग ऑफ हीलियम नियॉन लेजर। क्वेश्चन ये आता है, गिव द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ हीलियम नियॉन लेजर एंड शो दैट हीलियम नियॉन लेजर सुपीरियर टू रूबी लेजर। तो ये रूबी लेजर का डायग्राम है, सॉरी हीलियम नियॉन लेजर का डायग्राम है। इसके अंदर क्या है, ये क्वार्ट्ज ट्यूब है। ट्यूब के अंदर हीलियम नियॉन का मिक्सचर है जो 10:1 या 7:1 से फिल्ड हुई भी है, या तो 1 mm ऑफ Hg से फिल्ड हुआ हुआ है प्रेशर से, या 1 torr ऑफ प्रेशर से फिल्ड हुआ हुआ है। इस क्वार्ट्ज ट्यूब के हमने दोनों एंड्स पे फुली रिफ्लेक्टिंग सिल्वर्ड मिरर और पार्शली सिल्वर्ड मिरर लगाया है, या पार्शली सिल्वर्ड एंड बनाया है। क्यों बनाया है, टू क्रिएट द ऑप्टिकल रेजोनेटर। उसके अलावा कोई कूलिंग अरेंजमेंट की जरूरत भी नहीं पड़ रही है, और इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब या कनेक्ट की जाती है जिसमें RF जनरेटर, रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरेटर होता है, या हाई वोल्टेज जनरेटर होता है, जो क्या करता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को, एक्सीलेटेड इलेक्ट्रॉन्स को गैस में पास करता है। सबसे पहले इसको अली जवान ने अपने कोवर्कर्स के साथ मिलकर बनाया। जब मैंने ये हीलियम नियॉन लेजर पढ़ाना स्टार्ट किया था बिल्कुल स्टार्टिंग में, तब मैं 4 पेज में इसकी वर्किंग लिखवाती थी, और अभी अब जब नोट्स देखोगे ना उसमें वो आधे पेज की, 1 पेज की वर्किंग है। तो तुम सोच सकते हो कि कितना कम 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 करते करते मैंने कितना कम बताना स्टार्ट कर दिया है। और एक्चुअल में तो हम नियॉन गैस लेजर इज अ 4 लेवल लेजर, ये 4 लेवल लेजर है, बिल्ड बाय अली जवान एंड हिज कोवर्कर। कंस्ट्रक्शन, द हीलियम नियॉन गैस लेजर कंसिस्ट ऑफ क्वार्ट्ज क्यूब कंटेनिंग अ हीलियम नियॉन इन द रेशियो ऑफ 10:1 एट द प्रेशर ऑफ 1 mm ऑफ Hg, वन एंड क्लोज्ड बाय फुली रिफ्लेक्टिंग एंड मिरर, एंड अदर प्लेट इज अदर एंड इज कवर्ड बाय पार्शली सिल्वर्ड मिरर। दीज रिफ्लेक्टिंग एंड प्लेट फॉर्म एन ऑप्टिकल रेजोनेटर। द गैस लेजर इज कॉमनली यूज लो पावर, हेंस नो कूलिंग अरेंजमेंट इज रिक्वायर्ड। द एक्टिव मीडियम इज एक्साइटेड बाय RF जनरेटर। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन है, तो इसको कर लीजिए, फिर इसके आगे करते हैं। तो बिल्ड बाय अली जवानी 1961, फर्स्ट गैस लेजर है। हाँ बताइए। मैम, जहाँ पे मैम लेजर बीम दिखा है मैम, यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पे पार्शली रिफ्लेक्टिंग मिरर होता है, तो जब तक इंटेंसिटी हाई नहीं होती इस मिरर से रिफ्लेक्ट होता रहता है ना, और जैसे इंटेंसिटी हाई हो जाती है इस साइड से आउटपुट मिल जाती है हमें, और ये कंटिन्यूअस बीम है, तो यहाँ से एक बार आउटपुट मिलनी स्टार्ट होती है। जब हमने एक बार स्टार्ट कर दिया इसको तो कंटिन्यूअसली हमें आउटपुट मिलती रहती है, फिर क्योंकि ये पल्स इसके फॉर्म में नहीं देता, ये कंटिन्यूअस फॉर्म वेव की फॉर्म में आउटपुट देता है, क्योंकि यहाँ पे जो दो मीडियम है, एक्टिव मीडियम टू है, हीलियम और नियॉन दोनों है। वहां पे क्या था, सिर्फ क्रोमियम को ही एक्साइटेड होना था, क्रोमियम को ही डीएक्साइटेड होना था, तो उसकी वजह से हमें पल्सेस की फॉर्म में आउटपुट मिल रही थी। चलिए तो आगे करते हैं। ये सेम वही है। अब इसका ये डायग्राम मैंने हाथ से बना रखा है सेम वही चीज दिखाने के लिए, कि फुली रिफ्लेक्टिंग एंड प्लेट है, हाफ रिफ्लेक्टिंग पार्शली रिफ्लेक्टिंग एंड प्लेट है, क्वार्ट्स ट्यूब है, क्वार्ट्स ट्यूब के अंदर हीलियम नियॉन गैस का मिक्सचर है जो 10:1 से इसमें है, 1 mm ऑफ Hg से प्रेशर से फिल्ड हुआ है, RF जनरेटर कनेक्ट है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास होते हैं इसके अंदर। इसके अंदर हीलियम और नियॉन दोनों गैस है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स हीलियम प्लस नियॉन दोनों से कोलाइड करेंगे। हमें पता है कि हीलियम हमारा लाइटर एटम है, नियॉन हमारा हैवियर एटम है, तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि ज्यादा हीलियम एटम एक्साइटेड हो और नियॉन एटम कम एक्साइटेड हो, है ना, कम नियॉन एटम्स जो हैं हायर एनर्जी स्टेट में ट्रांसमिट हो या मूव करें। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन है। चलिए अब इसकी वर्किंग समझते हैं, इसको 4 लेवल लेजर क्यों बोलते हैं। तो इसमें हीलियम के 2 एनर्जी लेवल्स और नियॉन के 2 एनर्जी लेवल्स कंबाइन करते हैं, इसको 4 लेवल लेजर बोलते हैं। हीलियम के 2 एनर्जी लेवल में F1 स्टेट और मेटा स्टेबल स्टेट, F2 स्टेट है, मैंने इसको F से नोटेशन दिया है। नियॉन में जो एनर्जी लेवल्स हैं उसको E से नोटेशन दिया है, ग्राउंड स्टेट E1 है, एक्साइटेड स्टेट E2 है, एक्साइटेड स्टेट E3 है, और मेटा स्टेबल स्टेट E4 है। यहाँ पर भी जो है एनर्जी के बहुत सारे लेवल्स होते हैं जिनका वेरिएशन होता है, और किस लेवल से किस में ट्रांसफर हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हमारी आउटपुट चेंज हो जाती है। ठीक है, तो अब इसको समझते हैं। जब हम इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज
क्वार्ट्ज ट्यूब में पास करते हैं तो हीलियम और नियॉन दोनों एटम से कोलाइड करते हैं, बट बिकॉज क्योंकि हमारा नियॉन जो एटम है हैवियर है इन कंपैरिजन टू हीलियम एटम, तो मैक्सिमम हीलियम एटम ग्राउंड एनर्जी स्टेट F1 से F2 स्टेट में जाते हैं और इस ट्रांजिशन को हम पंपिंग ट्रांजिशन कहते हैं। नियॉन एटम भी ग्राउंड एनर्जी स्टेट से E4 स्टेट में जाते हैं बट कम जाते हैं। उसके बाद क्या है, गैस है, क्वार्ट्ज ट्यूब है, उसमें मूव करती रहती है, तो हीलियम कोलाइड करती है नियॉन से। जो एक्साइटेड हीलियम एटम है यानी कि जो ऑलरेडी F2 स्टेट में हीलियम एटम्स हैं वो कोलाइड करते हैं जब अनएक्साइटेड नियॉन एटम से, जो ग्राउंड स्टेट में नियॉन एटम है उनसे, तो वो अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देते हैं नियॉन एटम को, तो ये एनर्जी ट्रांसफर कहलाता है हीलियम नियॉन या इनइलास्टिक कोलिजन एटम का, और अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देते हैं और नियॉन एटम हमारे एक्साइटेड स्टेट E4 में पहुंच जाते हैं। E4 स्टेट हमारी मेटा स्टेबल स्टेट है, और क्या होता है E4 स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीज होते जाते हैं, पॉपुलेशन इन्वर्जन इस्टेब्लिश हो जाता है E4 और E3 स्टेट के बीच में। जो सबसे पहले नियॉन एटम E4 स्टेट में आया वो स्पॉन्टेनियसली एक फोटोन एमिट करता है 6328 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ का, और E4 स्टेट से E3 स्टेट में आ जाता है। दिस फोटोन ट्रेवल थ्रू द मिक्सचर ऑफ गैस एंड स्टिमुलेट अदर नियॉन एटम टू ट्रांजिशन फ्रॉम E4 स्टेट टू E3 स्टेट, और ये जो फोर्थ ट्रांजिशन है ये हमारा लेजर ट्रांजिशन या स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन कहलाता है, और फर्दर ये मूव होते रहते हैं गैस के अंदर जब तक सफिशियंटली हाई इंटेंसिटी ना हो जाए और हमें लेजर विंडो से आउटपुट ना मिल जाए। करते हैं मैटर स्टेबल स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आ गया, फोर्थ वाला जो ट्रांजिशन है ये स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन है, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट में अब E3 स्टेट में हमारा नियॉन एटम है वो E3 स्टेट से E2 स्टेट में आएगा, स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन होगा क्योंकि जो एक्साइटेड स्टेट है इसका जो लाइफ टाइम है वो 10^-8 टू 10^-9 सेकेंड होता है, ठीक है। तो एटम E3 स्टेट से E2 आएगा थ्रू स्पॉन्टेनियस एमिशन और एमिटिंग इनकोहेरेंट बीम, और ये वाली जो कोहेरेंट बीम है क्वार्ट्ज ट्यूब में किसी भी डायरेक्शन में बाहर इमर्ज आउट हो जाएगी। E2 स्टेट से E1 स्टेट में नियॉन एटम जो है ये जब वॉल से कोलाइड करेगा और अपनी एनर्जी का लॉस कर देगा तो रेडिएशन लेस ट्रांजिशन होगा E2 स्टेट से E1 स्टेट में। फिर से सुनिए क्या होता है, व्हेन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास थ्रू, सामने आपको डायग्राम तो दिख रहा है पूरा, यस मैम, इसमें नंबर्स लिखे हुए दिख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5 कहाँ पे, यस मैम, चलो जब तक 4 पे, जब तक 4 पे आएंगे 5, 6 भी दिख जाएंगे आपको, ठीक है। तो इस फिगर को ऐसे 1, 2, 3 है ना, इसको 1, 2, 3, 4, 5 की फॉर्म में समझिए। तो इनिशियली क्या है, एटम जो है हीलियम एटम और नियॉन एटम ग्राउंड एनर्जी स्टेट में है, तो जब हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करेंगे गैस के अंदर तो वो कोलाइड करेंगे हीलियम और नियॉन एटम से और एक्साइट करेंगे उनको F2 स्टेट और E4 स्टेट में, तो फर्स्ट ट्रांजिशन होगा जिसको हम पंपिंग ट्रांजिशन कहते हैं, एक्साइटेशन बाय इलेक्ट्रॉन कोलिजन। इलेक्ट्रॉन ने हीलियम और नियॉन से कोलिजन किया, उसकी वजह से एटम हीलियम और नियॉन ग्राउंड एनर्जी स्टेट से मैटर स्टेबल स्टेट F2 और E4 में पहुंच गए, ठीक है। अब हमारे क्योंकि हमें पता है हीलियम लाइटर एटम है नियॉन हमारा हैवियर एटम है, तो कम नियॉन एटम एक्साइटेड स्टेट E4 में पहुंच पाते हैं और मैक्सिमम हीलियम एटम हमारे E2 स्टेट में होते हैं। गैस के मिक्सचर है तो हीलियम और नियॉन में आपस में कोलिजन होगा, उस कोलिजन की वजह से हीलियम जो एक्साइटेड हीलियम एटम है वो अनएक्साइटेड नियॉन एटम को अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेंगे और नियॉन एटम भी मैटर स्टेबल स्टेट E4 में पहुंच जाएगा जो ग्राउंड स्टेट में था। तो मैक्सिमम नियॉन एटम हमारे E4 स्टेट में होंगे। जो सबसे पहले नियॉन एटम E4 स्टेट में आया था वो स्पॉन्टेनियसली ट्रांजिशन करेगा, वो
स्पॉन्टेनियसली ट्रांजिशन करेगा अ फोटॉन ऑफ वेवलेंथ 6328 एंगस्ट्रॉम, जहां पे नंबर 3 लिखा है, ठीक है, वो वाला पार्ट. तो एक फोटोन एमिट करेगा, ये फोटोन गैस मिक्सचर में ट्रेवल करेगा, बाकी न्यूऑन एटम जो मैटर स्टेबल स्टेट E4 में है उनको स्टिमुलेट करेगा कि वो E4 स्टेट छोड़ के E3 स्टेट में आए, और फोर्थ ट्रांजिशन होगा यानी कि स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन या लेजर ट्रांजिशन. और ये मिक्सचर में फोटॉन्स चलते रहेंगे, आप रिफ्लेक्टिंग एंड से रिफ्लेक्ट होकर उसके अंदर आते रहेंगे जब तक इंटेंसली सफिशियंटली हाई ना हो जाए, ठीक है. फिर E3 से E2 का जो ट्रांजिशन है, फाइव लिखा हुआ दिख रहा होगा, जो E3 स्टेट है वो हमारी एक्साइटेड स्टेट है जिसका लाइफ टाइम हमारा 10^-8 टू 10^-9 सेकेंड होता है. तो स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन होगा, इनकोहेरेंट बीम हमें मिलेगी जो किसी भी रैंडम डायरेक्शन में मूव होके क्वार्ट्ज ट्यूब से बाहर निकल जाएगी. अब हमारे न्यूरॉन एटम के पास वो एक्साइटेड स्टेट E2 में आ चुका, उतनी एनर्जी है, तो वॉल के कोलिजन की वजह से वो एनर्जी का लॉस कर देगा और वापस से वो ग्राउंड एनर्जी स्टेट में आ जाएगा. और वापस से ग्राउंड एनर्जी स्टेट में आ गया मतलब वो प्रिपेयर हो गया दोबारा से एक्साइटेड होने के लिए, चाहे वो हीलियम से कोलाइड होके हुए चाहे वो इलेक्ट्रॉन से कोलाइड होके हुए. इस तरीके से हमें कंटिन्यूस बीम मिलती रहती है यहाँ से हीलियम और नियॉन से. चलिए तो ये तो वही फिगर है. अब एक बार इसकी आप वर्किंग पढ़ लीजिए जो लिखी हुई है उसमें, वहां पे कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है तो पूछिए, फिर करेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशन देखते हैं इसकी. और मैंने इसलिए पीपीटी चेंज कर दी है कि जितने मैं बोलूंगी तो आपके सामने वो दिखेगी, तो एक बार इतने आप नोट्स देख लीजिए. चलिए तो करेक्टरिस्टिक्स सब सामने आ चुकी होंगी, है ना. करेक्टरिस्टिक्स टिपिकल पावर आउटपुट ऑफ हीलियम नियॉन लेजर लाइव नहीं है, अभी भी नहीं आया. अभी आ रही है, आ रहा है. चलो वेट कर लेते हैं, आने दे आने. चलिए करेक्टरिस्टिक्स टिपिकल 6 पॉइंट है क्या? 6 पॉइंट कहाँ है मैम? मेरे में ना आया मैम, हमें नहीं आ रही. मैंने वाईफाई भी नहीं कनेक्ट कर रखा, अब तो मैंने वायर वाला नेट ले रखा है. ऐसे इतना स्लो क्यों हो रहा है आज? आ गया सबके पास? चलिए तो करेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशन. तो करेक्टरिस्टिक्स क्या है? टिपिकल पावर आउटपुट ऑफ हीलियम नियॉन लाई बिटवीन 1 to 50 माइक्रोवॉट ऑफ सॉरी मिलीवॉट ऑफ कंटिन्यूस वेव ऑफ इनपुट अबाउट 5 to 10 वॉट. एप्लीकेशन एंड यूजेस क्या है इसकी? हीलियम नियॉन लेजर इज कॉमनली यूज्ड लेजर फॉर लैब एक्सपेरिमेंट, उसमें भी इंटरफेरेंस बनाने के काम आता है. इट इज यूज्ड फॉर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन ऑफ फाइबर फॉर मॉडरेट डिस्टेंस, पास की डिस्टेंस के लिए. और इट कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस होलोग्राम्स, दैट इज 3D फोटोग्राफ्स. होलोग्राम्स क्या होते हैं? जो कंटेन करते हैं सारी इंफॉर्मेशन और 3D फॉर्म में होते हैं, तो उसको बनाने में भी हमारा हीलियम नियॉन गैस लेजर काम आता है. फिर डिफरेंसेस बिटवीन रूबी लेजर एंड हीलियम नियॉन लेजर. तो जो हमने दोनों की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग लिखी है तो वहां से हम इसके डिफरेंसेस लिख सकते हैं. जैसे कंस्ट्रक्शन की बात करें, रूबी लेजर जो है हमारा सॉलिड स्टेट फॉर्म में है जबकि हीलियम नियॉन लेजर हमारा गैस फॉर्म में है. तो एक डिफरेंस तो यही हो गया कि वो सॉलिड स्टेट लेजर है, ये हमारा जो है गैस लेजर है. दूसरा डिफरेंस लेवल की बात कर सकते हैं, वहाँ पे 3 लेवल्स यूज होते हैं, यहाँ पर 4 लेवल यूज होते हैं हीलियम नियॉन में. वहां पर जो हमारी वेव है वो पल्सेस की फॉर्म में मिलती है, यहाँ पे कंटिन्यूस बीम मिलती है. फिर पंपिंग कैसे यूज कर रहे हैं, वहां पे ऑप्टिकल पंपिंग यूज करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पंपिंग यूज करते हैं. कूलिंग अरेंजमेंट वहां पे जरूरत पड़ती है, हीलियम नियॉन में जरूरत नहीं पड़ती है. तो इस तरीके की जो कंस्ट्रक्शन है, वर्किंग है, या जो आउटपुट में वेवलेंथ मिल रही है उसके अकॉर्डिंग हम जो है के डिफरेंसेस लिख सकते हैं. और फिर ये बता सकते हैं कि हीलियम नियॉन लेजर सुपीरियर है क्योंकि यहाँ पे जो हमें आउटपुट मिल रही है वो कंटिन्यूस मिल रही है, प्लस हमें कोई कूलिंग अरेंजमेंट की भी जरूरत नहीं मिलती है, जरूरत नहीं पड़ती है. और इसकी जो लाइट इससे मिलती है वो मोर मोनोक्रोमेटिक होती है इन कंपेरिजन टू क्रोमियम यानी कि रूब लेजर. तो स्क्रीन आ गई है आपके सामने? यस मैम. चलिए तो डिफरेंसेस पढ़ लेते हैं.
तो रूबी लेजर इट प्रोड्यूस अ पल्सेस लेजर बीम, इट इज थ्री लेवल लेजर, ऑप्टिकल पंपिंग मेथड इज यूज फॉर अब्सॉर्प्शन, कूलिंग अरेंजमेंट इज रिक्वायर, इट हैज एक्टिव मीडियम इन सॉलिड स्टेट, इट एमिट लाइट ऑफ 6,943 एंगस्ट्रॉम. हीलियम नियॉन लेजर में इट प्रोड्यूस कंटिन्यूस लेजर बीम, इट इज फोर लेवल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इज यूज फॉर पंपिंग, नो कूलिंग अरेंजमेंट इज रिक्वायर्ड, इट हैज एक्टिव मीडियम इन गैसेस स्टेट, इट एमिट्स लाइट ऑफ वेवलेंथ 6,328 एंगस्ट्रॉम. ये क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, आ जाएंगे अभी स्क्रीन पे. दो क्वेश्चन है, एक हीलियम नियॉन गैस लेजर किस वेवलेंथ की लाइट आउटपुट करती है, दूसरा हीलियम नियॉन गैस लेजर में पॉपुलेशन इन्वर्जन किस मेथड से अचीव किया जाता है, कौन सी पंपिंग से. तो हीलियम नियॉन के अंदर कौन सी पंपिंग यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज. ठीक है, हाँ इलेक्ट्रिक बी ऑप्शन. ठीक है, और कौन सी वेवलेंथ एमिट करता है, 6,328 एंगस्ट्रॉम. क्वेश्चन है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है. ठीक है, ड्रॉ अ नीट डायग्राम ऑफ हीलियम नियॉन लेजर एंड डिस्क्राइब इट्स मेथड ऑफ वर्किंग. व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेजर बीम, डिस्कस इट्स इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन. तो बहुत बार पूछा गया है, कई ईयर तो इसमें मेंशन भी नहीं होंगे. ठीक है, तो अब हमारा लास्ट पार्ट रह गया एप्लीकेशन ऑफ हीलियम, एप्लीकेशन ऑफ लेजर. तो जो हीलियम नियॉन गैस लेजर के एप्लीकेशन हैं, जो रूबी लेजर के एप्लीकेशन हैं, वो एप्लीकेशन है लेजर की. उसके अलावा मेडिकल में भी हम यूज करते हैं, मेडिकल में आई सर्जरी हो गई, डेंटल सर्जरी हो गई, वहाँ पे यूज होता है. कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज होता है, ऑप्टिकल फाइबर में हम यूज करते हैं. जो हमारे प्लेन्स होते हैं उनको पाथ डायरेक्ट करने में काम आते हैं, तो कम्युनिकेशन में वहाँ पे यूज होता है. जो हमारी गन्स होती हैं लेजर गन्स, टारगेट सेट करने में वहाँ पे काम आते हैं. तो लेजर की काफी सारी एप्लीकेशंस हैं. तो जो एप्लीकेशंस हमने हीलियम नियॉन लेजर और रूबी लेजर में लिखी वो लिख सकते हैं, मेडिकल में कहाँ कहाँ यूज हो रहा है वो लिख सकते हैं. ठीक है, तो अटेंडेंस ले लेते हैं. अब हमारा आज का ये खत्म हुआ, न्यूमेरिकल्स नहीं है कुछ ऐसे मुझे मंडे तक. हाँ बताया था, तुम सुनते नहीं हो. कौन बोल रहा है, ये रोहित होगा. रोहित है मैम.